प्यारे बच्चों चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास ट्वेल्थ में हम लोग केमिस्ट्री में अगर बात करें तो पिछले दिन हम लोग जेल के बारे में पढ़े थे, मिसेल्स के बारे में पढ़े थे। चलिए ये आज हम लोग जानते हैं, तो टॉपिक देखेंगे गंदगी साफ करने में साबुन की क्रिया विधि। जैसे कि प्यारे बच्चों हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि साबुन में स्टियरेट आयन पाया जाता है, यानी सोडियम ओलिएट नामक एक पदार्थ या रसायन पाया जाता है जो टूटकर स्टियरेट आयन बनता है। अब प्यारे बच्चों आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि गंदगी साफ करने में साबुन कैसे कार्यशील होता है, यानी कि कोई भी गंदगी जब कपड़ों पे लगता है तो वो गंदगी कैसे साफ हो जाती है साबुन का यूज करने से। अब उसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, तो टॉपिक बनाएंगे गंदगी साफ करने में साबुन की क्रिया विधि। लिखा जाए, फर्स्ट एरो, साबुन का उपयोग कपड़े की गंदगी को दूर करने में किया जाता है। साबुन का उपयोग कपड़ों की गंदगी को दूर करने में किया जाता है। सेकेंड एरो, कपड़ों में प्रायः धूलकण या ग्रीज सटे रहते हैं। ग्रीज का मतलब तो तेलीय पदार्थ, ग्रीज सटे रहते हैं। कॉमा, कपड़े को साबुन के जलीय विलयन में डालने पर साबुन और कपड़े की गंदगी परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, नेक्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे साबुन के अणु ग्रीज को घेर कर इस प्रकार मिसेल्स बना लेते हैं कि स्टियरेट आयन ग्रीज पदार्थ को जकड़ लेता है और पानी में निचोड़ने पर ग्रीज के साथ धूल कण बाहर निकल जाते हैं। चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं कि आखिर गंदगी साफ करने में साबुन किस प्रकार सहायक होता है। इसको समझने के लिए जरा हम लोग फिगर बनाते हैं। अब फिगर में कैसे कैसे क्या करना है जरा चीजों को समझिएगा। सबसे पहले जो काम करना है वो ये कि एक टब लेना है। अब इस टब में साबुन का जलीय घोल या फिर सरफ, जब आप घोलते हैं ना तो आप साबुन या सरफ का जलीय घोल ले लीजिए। यहां पर लिख सकते हैं कि साबुन का ये क्या है, जलीय विलयन है। साबुन का जलीय विलयन, ठीक है प्यारे बच्चों, ये साबुन का जलीय विलयन है, ठीक है। और मान लिया कि कोई कपड़ा गंदा है, और जब गंदगी का मतलब प्यारे बच्चों सिर्फ धूल खन नहीं होता है,
उसके अलावा ग्रिज होता है। देखिए ग्रिज का मतलब समझिए, ग्रिज का मतलब होता है तैलीय पदार्थ। ये वो बोले तो कुछ हम लोग खाते पीते हैं, वो अगर कहीं शर्ट वगैरह में चिपक जाता है और इतना छोटा कण चिपकता है कि हम लोग शायद देख नहीं पाते हैं, और वो जब एक ग्रिज जब रहता है तो धूल कण को और अपने आसपास सटा लेता है और इस तरह से पूरा मेरा कपड़ा ज्यादा गंदा दिखने लगता है। प्यारे बच्चों उसको ग्रिज बोला जाता है। ग्रिज का मतलब कोई तैलीय पदार्थ, या फिर आप इस्तेमाल करते होंगे, बहुत सारा पसीना चलता होगा और आप फट से पोंछ दिए कहीं भी, वो सब भी ग्रीज हो गया, लेकिन इतना कम मात्रा हुआ कि वहां पे एक तेल की भांति फैट जैसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक सरसों का तेल हुआ चिकनाहट वाली पदार्थ, वही समझिए ग्रीज कहलाता है। ठीक है, ग्रीस जो है ग्रीज से ही बना है, जो हम लोग ग्रीस नहीं देते हैं मशीन वगैरह में, वो एक ग्रीज है। चलिए तो अगर मान लिया साबुन के जलीय विलय लेना है, प्यारे बच्चों साबुन में क्या पाया जाता है तो सोडियम ओलिएट नामक एक रसायन पाया जाता है जिसको टूटने से स्टीयरेट आयन बनता है। जिसको टूटने से क्या बनता है? स्टीयरेट आयन। ठीक है, अब साबुन का जलीय घोल में कोई कपड़ा को हम डालेंगे, जैसे ही प्यारे बच्चों आप कपड़ा को डालते हैं कपड़ा भीग जाता है, तो अक्सर सलाह दिया जाता है कि 5 से 10 मिनट तक आप कपड़ा को ना पानी में जो साबुन या सरफ का जो जलीय विलयन है उसमें भीगने के लिए फूलने के लिए छोड़ दीजिए। ये लेकिन प्यारे बच्चों कहावत है, वो फूलता नहीं है, तब तक क्या करता है अपना रिएक्शन होता है, अपना कार्यशील होता है। आप अंदर की बात को समझिए। ठीक है, आप कपड़ा को गोद देते हैं जलीय विलयन में कुछ देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए। अब होता क्या है, मान लिया जाए ये प्यारे बच्चों धूल कण है, ये जो है अभी जो मोटा मोटा दिख रहा है ये प्यारे बच्चों धूल कण है, और धूल कण कहाँ है? कपड़ा में। और जैसे ही आप साबुन के जलीय विलयन में मिलाएं तो जलीय विलयन में क्या है? स्टीयरेट आयन ना, क्योंकि सोडियम ओलिएट के टूटने से स्टीयरेट आयन बनता है, तो यहाँ स्टीयरेट आयन है, और स्टीयरेट आयन लगभग 70 गो मिलेगा तब एगो मिसेल्स बनता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब यहाँ क्या होता है कि चारों तरफ से प्यारे बच्चों हर एक धूल कण को, जितना करोड़ों अरबों संख्या में जो धूल कण होगा सबको चारों तरफ से घेर कर एक मिसेल्स बना लेता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे फिगर को, देखिएगा अच्छे से समझ में आएगा। ये चूंकि 70 का संख्या में होता है, आप समझ पा रहे होंगे ना ये 70 का संख्या कितना ज्यादा है। अब ऐसा ऐसा हर एक कण करता है, ये देखिए मिसेल्स है, ये क्या किया तो हर एक धूल कण को स्टीयरेट आयन चारों तरफ से घेर लिया, यानी यहां पे भी घेरेगा, चारों तरफ घेरेगा। देख पा रहे होंगे ये जो घेर लिया वो चारों तरफ स्टीयरेट आयन घेर लिया, यहां पे भी। यहां पे हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे स्टीयरेट आयन काम करता है। यदि स्टीयरेट आयन का काम ही है ग्रीज या धूल कण को चारों तरफ से घेर लेना, तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये अंदर में धूल कण है, दिखाना चाह रहे हैं हम कि ये जो अंदर में है वो धूल कण है, और ये जो बाहर में है ये सब क्या है? मिसेल्स है। और मिसेल्स कैसे बनता है तो स्टीयरेट आयन, लगभग कै गो स्टीयरेट आयन तो 70 गो स्टीयरेट आयन मिलता है तब जाकर मिसेल्स बनता है। तो प्यारे बच्चों होता क्या है जरा फिर से समझिएगा, इसको हम बड़ा करके दिखाते हैं। जब आप एक धूल कण को माइक्रोस्कोप की सहायता से जब आप देखेंगे तो पता चलेगा, इसको जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एक धूल कण है, ये क्या है? धूल कण। और इसके चारों तरफ लगभग 70 स्टीयरेट आयन, लगभग 70 स्टीयरेट आयन इसको घेरे हुए हैं। ये देखिए घेर लिया, कौन? साबुन में जो पाया जाता है स्टीयरेट आयन, वो काम ही करता है किसी भी गंदगी को या ग्रीज को घेरने का काम करता है। ये देखिए मिसेल्स है, यानी कि ये बोल सकते हैं स्टीयरेट आयन हुआ एक ठो,
एक ठो स्टीयरेट आयन और पूरा जब 70 को मिल गया तो मिसेल्स बना लिया। तो प्यारे बच्चों अब होता क्या है कि जैसे ही साबुन के जलीय विलयन में आप कोई कपड़ा को डालते हैं तो उसमें बहुत सारा धूल कण रहता है। अब ये एक एक कण में होता है, कपड़ा के एक एक कण में धूल कण है और सब धूल कण को कौन जकड़ लिया, चिपका लिया, पकड़ लिया बोल सकते हैं स्टीयरेट आयन। ठीक है, अब जब पकड़ के बैठ गया यानी तब तक, और फिर आप क्या करते हैं उसको निकाल कर रगड़ते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, उसको फोर्स देते हैं और उसको निचोड़ते हैं पानी में उसको डालकर, तो उससे क्या हुआ फिर वो ग्रीस जो है छोड़ देता है, वो पानी में घुल मिल जाता है और इस तरह से हमें कपड़ा क्या दिखने लगता है, सुंदर दिखने लगता है, साफ दिखने लगता है। तो प्यारे बच्चों सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि उसको गोत देने से और ऐसे ही छोड़ देने से सिर्फ गंदगी मिट जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो सिर्फ हम लोग पानी में भी गोत के और कपड़ा को साफ कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको साबुन के जलीय विलयन में लेना पड़ेगा क्योंकि साबुन में स्टीयरेट आयन पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों करना क्या है, इस फिगर को बढ़िया तरीके से ढंग से उसके नीचे उतार देना है ताकि ये क्लियर कट कर रहा है कि गंदगी को साफ करने में साबुन किस प्रकार सहायक है, यानी कि साबुन जो है गंदगी को किस प्रकार से साफ करता है। तो ये फिगर को बना लीजिएगा। चलिए आइए आगे आते हैं, हम लोग आगे कुछ सीखते हैं। तो आगे हम लोग टॉपिक लेंगे, लिखेंगे दैनिक जीवन में कोलाइडी विलयन के उपयोग। दैनिक जीवन में कोलाइडी विलयन के उपयोग, दैनिक जीवन का मतलब हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कोलाइडी विलयन का कुछ ना कुछ उपयोग देखते हैं। अब कहां कहां कोलाइडी विलयन का उपयोग है तो अब लिखा जाए दैनिक जीवन में कोलाइडी विलयन का उपयोग, उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे दैनिक जीवन में कोलाइडी विलयन का निम्नलिखित उपयोग है। दैनिक जीवन में कोलाइडी विलयन का निम्नलिखित उपयोग है। नंबर वन, पहला में लिखा जाए आकाश का नीला दिखाई पड़ना। आकाश का नीला दिखाई पड़ना। दूसरा, खाद्य पदार्थों का निर्माण होना। दूसरा, खाद्य पदार्थों का निर्माण होना। तीसरा, रक्त में ब्लड में। चौथा, औषधियों में। नेक्स्ट, कपड़ा साफ करने में। नेक्स्ट, जल को शुद्ध करने में। प्यारे बच्चों तो अब हम लोग सवाल ये बोला कि हम लोग कोलाइडी विलयन का उपयोग कहां कहां करते हैं। तो ये कोलाइडी विलयन का मतलब कि ऐसा विलयन जो हमेशा ठोस और द्रव का विलयन होता है। तो इन चीजों का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो औषधि के रूप में या फिर ब्लड सेल भी मेरा एक क्या है, कोलाइडी विलयन की तरह है, जिसमें प्लाज्मा उसके रक्त के हरेक कण में मौजूद होता है। तो रक्त भी एक कोलाइडी विलयन हुआ। कपड़ा को साफ करने में देखें कोलाइडी विलयन का ही रोल है, और रक्त में देखें, औषधि का निर्माण में भी देखें तो कई औषधियां बनाई जाती है। तो ये सब सारा उपयोग था। तो प्यारे बच्चों यही चैप्टर यहां तक एंड हो जाता है हम लोग का। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जरा अब हम लोग सिलेबस देखें तो केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट्स में हम लोग को पढ़ना था, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग का जो फिजिकल में 5 चैप्टर था, पहला था ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, तीसरा भैदुत रसायन और चौथा रासायनिक गतिकी और पांचवा था कौन सा, तो पांचवा अभी हम लोग पृष्ठीय रसायन पढ़ रहे थे। तो टोटल अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो फिजिकल केमिस्ट्री हम लोगों का टोटल
खत्म हो चुका है। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में फिर हम लोग नया एक आइडिया शूट करेंगे, एक नए तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हम लोगों का जो टारगेट है कब तक पूरा होने का संभावना है। तो हम लोग अगले क्लास में अच्छे 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 चीजों पर बात करने वाले हैं कि अगले क्लास में हम लोग को क्या शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक केमिस्ट्री का एक पार्ट खत्म हो गया और दो पार्ट बच गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर वो दोनों खत्म हुआ तो हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट। तो अब हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में देखेंगे कि वो दोनों में कितना कितना चैप्टर है, हम लोगों को कैसे कैसे पढ़ाई करना होगा और क्या क्या पढ़ना होगा। तो हम लोग अगले क्लास में इन चीजों पर डिस्कस करेंगे और फिर कुछ नया चैप्टर का, नए पार्ट का शुरुआत करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।